अभी सोलो 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 बंदे के सामने यहाँ पे लुक यार दिस कैमरा लुक दिस कैमरा लुक स्ट्रेट लुक यार दिस कैमरा एक स्टेप पीछे उनका मत सुनो जो आगे बोल रहे हैं उनका मत सुनो या लुक स्ट्रेट या लुक या दिस कैमरा बोथ ऑफ यू लुक सेंटर यहाँ पे ये कैमरा होल्ड होल्ड The world can see the chemistry on screen. So
जब मुझे पता चला कि यूट्यूब पे गाना फिल्माया जाने वाला है सो इट वाज ऑब्वियसली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू शूट विद देम एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम विद विष्णु सर इज बैक विद अस वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग वीडियो एंड ऑफ कोर्स नीत्रो के साथ भी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन है और उनके साथ ही मेरे सब गाने आए हैं सो आई एम होपिंग जैसे कि आपने सारे गानों को पसंद किया है नीत्रो के सब गानों पे वाहेगुरु जी की कृपा रहती है वैसे इस गाने पे भी भगवान की कृपा होगी एंड एवरीबॉडी जरूर लाइक इट हमारी शुरू से जितने भी अच्छे गाने आए हैं और जो भी ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं हमेशा कुछ नए लोगों के साथ होते हैं बहुत सारे नए लोगों के साथ खुशबू भी आई थी उसने कभी गाना नहीं गाया था कनिका कपूर ने गाना नहीं गाया था नेहा कक्कड़ को भी जब हमने पहली बार उसके साथ एल्बम लॉन्च की थी तो सलमान भाई को भी पहली बार लाइफ में हमने गवाया हैंग ओवर तो हम लोग को एक्चुअली नई आवाज़ें जो होती हैं और नई नयापन जो किसी की अदाकारी में भी होता है वो हमेशा लोगों को ज़्यादा पसंद आता है इन दोनों को हमने बहुत मॉन्टीनस करते देखा था बिग बॉस में और मैं बिग बॉस का बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ मैंने आज तक 11 सीजन में एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा वो रिकॉर्ड टीवी पर सिर्फ नेटफ्लिक्स के अलावा वही देखा तो इन दोनों को मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि इन दोनों के अंदर मेरे को सच्चाई नजर आ रही थी कि जैसे भी है ये ट्रू है और इनकी आंखों में जो भी दिख रहा है सही दिख रहा है कोई छल कपट नजर नहीं आया तो फिर जब बिग बॉस ने हमसे तीन चार लोगों का बाइट मांगी थी तो बाकी आधे लोग मेरे दोस्त थे तो मैं जानता भी नहीं था लेकिन हमने उस पर बोला कि ये दोनों बड़े पसंद है कि पुनीश एक रियल बंदा लगता है तो इसने बाद में वो लाइट देखी और फिर इसने रात को फ़ोन किया मेरा नंबर ढूंढ के कि भैया आपने मेरे बारे में बोला था मेरे को बहुत अच्छा लगा फिर हम मिले और उसके बाद इनकी केमिस्ट्री भी ऐसी थी हमने यार वीडियो करते हैं तुम्हारी केमिस्ट्री उस पर दिखाएंगे वीडियो तो दिस इज ऑल हैपनिंग बायोलॉजी सब कुछ बोलना चाहता हूँ देखो मैं तो बहुत वाइल्ड चाइल्ड हूँ तो मेरा भाई बहुत सीधा है तो इसलिए दोनों को वाइल्ड बहुत सीधे चले जाते हैं लेकिन अब एक ही जा सकता है सब प्रॉब्लम जाएंगे तो डूबेंगे तो एक साथ ही डूबेंगे लेकिन आपको बता दें हमारे इस जो आज ये वीडियो आप देख रहे हो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बहुत इम्पोर्टेंट वैसे पूरी टीम है लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं निखिल इन कैन वी हैव यू हियर जो भी फोटोज होंगी जो भी प्रोड्यूसर ऑफ द वीडियो एंड आवर हेड ऑफ आवर म्यूजिक लेबल हाँ जी सो यार बिग बॉस में जरूर जाना चाहेंगे आप लोग अगर पुश करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल और ये गाना जो है सब लव आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि लव शुड बी स्प्रेड एंड लव मी गाना एक गाने का नाम है और आपको मालूम है कि लव की बहुत कमी है दुनिया में तो आप लोग आजकल डिजिटल इज द पावर एंड यू शुड स्प्रेड दिस लव थ्रू योर डिजिटल चैनल्स एंड थ्रू योर मीडियम्स तो हमें मीडिया सपोर्ट चाहिए और आप लोग का प्यार रहेगा तो लव चारों तरफ फैलेगा और वायरल हो जाएगा देखो पुनीश डांस तो कहीं पे भी कर सकता है लेकिन जो उसने वीडियो में किया ना वो और कहीं नहीं कर सकता ऐसे भी जब भी कहीं किसी भी चीज के अंदर जाता है ना वहाँ रोमांसिक लगता है डांस पे कुछ पूछना तो विष्णु सर से पूछिए कि उनके स्टेप्स के हम लोग पहले शुरू से तो विष्णु जी बताइए थोड़ा आगे कैसे निकलवा आ गए दोनों के केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और रेस लो
mention about the dance, they want to learn and everything, each and every steps. And Chattakal says properly, they are so proud of you. So proud of you. They said, you know, song, I don't know, they said, so proud of you. Thank you. So, if one line, देखिए ये मेन हो गया उसमें खुशबू के हैं हम लोग बीच में डांस करने आते हैं जो जैसे चिड़िया लाइन में आते तो भी मेन जो हमारी हीरोइन की आवाज़ जो हीरोइन के पीछे जो हीरोइन की आवाज़ है वो आई है जीपीआरएस बोल उठा सॉरी यार वो बोल रहे हैं कि हमने आपको पहुंचा दिया लोकेशन पर हाँ थैंक यू फाइनली हाँ जी बोलिए तो क्या विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में ऑल द वेरी बेस्ट एंड इट्स अ वेरी नाइस मूव एंड आई रियली लाइक म्यूजिक तो मैंने अभी तक गाना नहीं सुना है बट आई एम श्योर दैट म्यूजिक से रिलेटेड हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है बंदगी और पनिश दोनों एक साथ फर्स्ट टाइम आए हैं नहीं नहीं सेकेंड टाइम सॉन्ग उन्होंने फर्स्ट टाइम ओके तो क्या कहना चाहेंगे कितने एक्साइटेड हो उन दोनों को देखने के लिए मैं देखूंगी उसके बाद मुझे रियली आई वांट टू सी देयर हॉट केमिस्ट्री टुगेदर फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग ऑन स्क्रीन टुगेदर सो या एंड मीट ब्रदर्स आई थिंक दे आर फिनोमिनल उनके बारे में क्या बोलूं खुशबू ने सॉन्ग गाया उसके लिए क्या खुशबू इज वेरी गुड And overall, I'm very happy and excited about the album when I got to know from Bandagi and Punish. Okay,
कि मैम बिग बॉस 12 आ रहा है तो कितना एक्साइटमेंट है, अगर आपको मौका मिला तो आप बिग बॉस के घर जाना पसंद करेंगे? I have my best wishes to all the contestants for Bigg Boss 12. आप जाना पसंद करेंगे? देखते हैं, इस बार तो मुझे नहीं लगता I'm gonna be part. कोई ऐसा आपको हम भी सिंगल एल्बम में देखेंगे, मतलब ऐसे कोई धमाकेदार आपके दोस्तों के साथ में जिसमें मैं गाऊंगी और आप मेरे साथ रहोगे? मेरा एक एल्बम बनेगा जिसकी स्टोरी लाइन सिर्फ जर्नलिज्म पे होगी एंड यू आर गोना बी द हीरो ऑफ दैट. लेकिन एक्टिंग नहीं आती. कोई बात नहीं, हम करा लेंगे, वो तो फ्लो में चले जाता है. वो अभी लिखा जा रहा है, द क्रिएटिव थिंग्स आर यू वर्किंग ऑन दैट थिंग. थैंक्स डार्लिंग. पॉपकॉर्न है, ड्यूर मेरी एब्सोल्युटली घर का कपड़ा है. इफ आई एम लुकिंग रियली नाइस देन प्लीज आई रियली थैंक यू. आई मतलब मैं दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ. ओके मैम, टेलीविजन जो एक्ट्रेस होते आजकल बड़े सिनेमा ज्वाइन करे, जैसे हमने मॉर्निंग रॉल को देख रहे हैं, तो हम आपको कब देख पाएंगे बड़े टेलीविजन बड़े सिनेमा बॉलीवुड? नहीं पता, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गोल्ड. एक तो ट्रू स्टोरी है एंड मुझे वो ट्रू स्टोरीज एंड ट्रू इवेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई जस्ट वांट टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. एंड शी इज ऑलरेडी डूइंग गुड, बट शी इज गोना डू इवन बेटर इन लाइफ. थैंक यू सो मच. मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक लग्जरियस कार ले ली है. थैंक यू सो मच. कैसी चल रही है आपकी लग्जरियस कार? आज पहला दिन है, बहुत अच्छी चल रही है. आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, माई मॉम इज सो प्राउड ऑफ मी एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू यू नो. जब पाँच साल पहले मैं एक्चुअली उसी शोरूम में काम करती थी, आई वॉज वर्किंग एज अ इंटर्न, मार्केटिंग इंटर्न, एंड नाउ 5 ईयर्स लेटर आई हैव बॉट माई ओन BMW. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव दैट थिंग. क्या बात है. तो वहाँ के जो लोग भी थे तो क्या फीडबैक था उनका? मतलब दे वर सो हैप्पी. दे आई रिमेम्बर दिस गाय जुनैद, हु वाज माय बॉस, ही इज लाइक, पाँच साल पहले यू वर हियर वर्किंग फॉर मी एंड राइट नाउ यू आर बाइंग योर ओन BMW. इट्स ही, एवरीवन सो हैप्पी फॉर मी, दे आर प्राउड ऑफ मी. तो राइडिंग के दौरान आपके बाजू वाली सीट पे कौन होना चाहिए? माय ड्राइवर, बिकॉज आई कांट ड्राइव. अगर आप ड्राइव कर रही हैं, आपके बाजू वाले सीट पे कौन होना चाहिए? माय मॉम एंड माय डॉग चार्ली. कोई एक्टर ऐसा जो आपका फेवरेट हो? ओके, जो आपका हम बहुत अच्छा मिल रहा है. एक्चुअली आई एम सो हैप्पी कि यू नो ऑलवेज इट्स ऑलवेज बिन कि करिश्मा रागनी MMS बोल्ड एक्ट्रेस विथ हम. आई फील कि बहुत सारे लोगों ने मेरी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि लोग मेरी एक्टिंग देख रहे हैं, ना कि जस्ट बोल्ड देख रहे. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु बिन राइटिंग अबाउट मी सेइंग करिश्मा विल ब्लो योर माइंड एंड शी इज़ वेरी गुड. Thank you so much for appreciating my acting because it makes me really happy. और जो फिल्म रितिक की जो फिल्म है सुपर हिट, अगर आपका जो उसमें आई हैव बीन, इट्स बीन, इट्स नॉट येट फाइनलाइज्ड, वी आर स्टिल यू नो इट्स गोना हैपन, मे बी नॉट, यू गाइस विल नो वेरी सून, बट आई होप आई गेट इट. सो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद रितिक रोशन, टू शेयर द स्पेस विद रितिक. ओके, पुनीश एंड बंदगी को क्या विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में? Best of luck guys and I hope you guys kill it and keep making good music. Thank you so much. Friendship day hua hai abhi, to aapke friendship mein aap believe karte hain friendship mein? I think friend hai aapka jo sabse zyada kareeb. तो आई हैव टू वेरी गुड फ्रेंड्स, नताशा एंड साची, एंड आई थिंक उनके, बिकॉज बॉम्बे से हूँ नहीं मैं, मेरी मम्मी नहीं रहती हैं बॉम्बे में, तो आई फील जब हम दूर रहते हैं अपने फैमिली से तो हमारे फ्रेंड्स ही हमारी फैमिली बन जाते हैं, एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ. सो थैंक यू सो मच टू ऑल माई फ्रेंड्स. मे बी आई हैव जस्ट 5 फ्रेंड्स, ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मेकिंग माय लाइफ सो स्पेशल. बिग बॉस आने जा रहा है, तो बिग बॉस को लेके आप कितने एक्साइटमेंट है? बिग बॉस 12 आने जा रहा है. आई एम नॉट अ बिग बॉस फैन गाइस. आई डोंट वॉच टीवी, सो yeah, but I'm excited for people who've been there. I had got a call for Big Boss also this year, but I just think that I'm not ready for it mentally. Maybe in 2-3 years you might see me in Big Boss. Who knows? Call आया था वो. हाँ. आपको अगर एल्बम अगर आपको ऑफर हो तो क्या करना चाहेंगे आप? एल्बम एज अ सिंगर और एज अ फीचर? Both. I mean I'm sure आप सबने देखा है इसमें तेरा घाटा, and I sing also. So I might be featuring, I don't know, अगर ऑफर मिला कोई अच्छा सिंगर हो और मैं, if he can bring out my singing career, so I might as well. Thank you so much guys, thank you. Few seconds. क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? आप गाने को देख कर आ रहे हैं, आप गाने को देख कर आ रहे हैं, आप बताइए कि क्या विश करना चाहेंगे आप अपने अंदाज में ये ब्यूटीफुल कपल्स को? भाई ये दोनों ने बीबी 11 में हमारा बहुत दिल जीता, बहुत मजा आया इनका प्यार देख के. बीबी में कभी लगता है कि प्यार चलेगा नहीं, लेकिन इनका प्यार देखो अभी तक फुल फुल ऑन चल रहा है. ब्लेसिंग्स हैं आपके सर, इसने जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया सब कुछ. हमें ये हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब. Thank you, sir. Very happy. I love the song. Thank you. Thank you. We loved your song. God bless. Superb. Thank you. Thank you, sir. And now we leave you all with BB 11 people. Thank you. आप जा रहे हो? बोलिए. Good night. Bye. अर्षी जी खाना नहीं क्या? अर्षी जी क्या? क्या कोई बात नहीं. अरे शुभ शुभ बोलो. शुभ 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 मिक्स मत करो. कोई बात विश इन दोनों को ऑब्वियसली. अभी मुझे बीच में ही खड़ा कर दिया ऐसे, माँ वाला वापस इफेक्ट आ रहा है मुझे. देखो माँ तो किसी की, मेरी तो बहन है और माँ बहन करने में बहुत आगे हूँ. सब बहन भी मत बोल तू. नहीं चिल्पा, मुझे इसको देख के रोना आ रहा था जैसे कि चिल्पा. एक्चुअली हम लोग रोज मिलते हैं ना इसीलिए. हाँ इसीलिए दोनों बिजी होते हैं. हम दोनों इसका जवाब आप लोगों को पता होगा. भाई के साथ 10 के दम इसका जवाब ये है बिजी हमें. इसका जवाब ये है कि ये दोनों बिजी है. ओके रहेंगे और ऑब्वियसली जैसे बीबी 11 में बोलते थे इन दोनों के लिए, तो उसके वजह से और भी ज्यादा खुशी हो रही है दोनों के लिए. तो पता ही नहीं है कैसे रिएक्ट करना है शिल्पा को देख के इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद. हाँ कसम से. हाँ और पूछिए और बोलिए. वही बिग बॉस की केमिस्ट्री मैंने ऑन स्क्रीन नहीं देखी थी ना, तो अभी मैंने छुप छुप के करते थे. हाँ हम लोगों को नहीं पता शिल्पा के जाने के बाद छुप छुप के. हेलो पूरा हिंदुस्तान देख रहा था. छुप छुप के एलसी देखो तो अच्छा पूरे वो हिंदुस्तान के लिए था, हमारे लिए नहीं था. हमारे लिए हम थोड़ी बहुत बचिंग कर लेते थे, अच्छा क्या चल रहा है, हाँ क्या हो रहा है. लेकिन ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी. मैंने देखा गाना बंदगी एज यूजुअल लुकिंग वेरी हॉट एंड पुनीश एज यूजुअल तेरा भाई कैसे रोमांटिक, बहुत ज्यादा रोमांटिक लग रहे हैं तेरे भाई. मैं भी दम है ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. वो चाहेंगे कि ये जो
ये जो जो ब्यूटीफुल कपल है इन्हें अब जल्दी शादी करनी नहीं चाहिए? नहीं, शादी वादी की बकवास बात मत बिल्कुल सही। शादी क्या होता है? शादी वादी कुछ नहीं, शादी आई थिंक एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक साल भर का, बस इनफ। और मेरे ख्याल से मैं इन्हें सिल्वर स्क्रीन पे देखना चाहूंगी दोनों को, सीरियसली टुगेदर। ये सही आंसर मिला। यस यस, शादी का दोनों का, हाँ दोनों को सिल्वर स्क्रीन पे देखना है, बाकी शादी वादी की बात छोड़ो। अच्छा, आप तीनों से ही जानना चाहेंगे विकास? क्या आप तीनों भी शादी नहीं करेंगे? हाँ। शिल्पा जी, विकास गुप्ता को लेक ने वाइट किया कपड़ों के खिलाड़ी, क्या वो सांप ठीक है? कुछ तो लोग, मेरे बाबा ने गाना सिखाया था मुझे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो विकास बातों कहीं मर ना जाए एनाकोंडा। आई होप सांप ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जो भी जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए हमारे बेस्ट विशेस हमेशा है, तो कोई किसी से कुछ बैर नहीं। अच्छा, ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर था। बिग बॉस जोड़ी अगर चाहती हो कि इस बार कोई पार्टनर बनके जाए इस सीजन में, तो वो कौन होगा? पुनीश और बंदगी जाएंगे, और कौन दोबारा पार्टनर बनके? नहीं मिल सकता दोबारा, अंदर के बोलेंगे बिग बॉस सीजन ही बंद कर दो अभी, बहुत हो गया। हाँ, नहीं जाना भी नहीं है, आई डोंट थिंक हम जाएंगे। कौन से कपल होने चाहिए आपके ऊपर? From the ex-Big Boss, ये पुनीश और शिल्पा शिंदे भाई बहन, मींस इंडस्ट्री में से कौन जाना चाहिए? शिल्पा को जाना चाहिए किसी के साथ? जोड़ी कौन जाना चाहिए वो तो आप लोगों को पता है, किसके साथ जाना चाहिए शिल्पा? जोड़ी किसके साथ? मेरी तो जोड़ी बहुत लोगों के साथ अंदर बहुत अच्छी बनी थी। एक ही लोगों के साथ है। कौन अभी? ये कौन है? ये रहा भाई, प्लीज। अरे बाप रे। शिल्पा जी, हिना खान की कसौटी जिंदगी में कोमलिका का रोल करने जा रही है, क्यों आप लोग मेरी बैंड बजाना चाहते हो? मैं पुनीश बंदगी के लिए आई हूँ। ये कौन से क्वेश्चन है? तुम बाद में मिलो मुझसे, इसको बहुत पकड़ के मारेंगे। ओके, 10 कदम में कैसा रहा सलमान? ये धन्यवाद, सुपर सुपर। नहीं, ये सैटरडे टेलीकास्ट हुआ और आई होप, मुझे लगता है कि रास्ते पे बिल्कुल ट्रैफिक ही नहीं था, पता पूरा खाली रोड था। सब लोग 10 कदम देख रहे थे, सबको 10 कदम देखना है। 8 बजे से ही लोग अपने घर पे चले गए थे और सब घर पे थे, तो सोचो कैसा होगा। आई होप यार अच्छा है। अच्छा, करण पटेल ने आपको घर में भी काफी सपोर्ट किया था, वहाँ किस तरह का रहा? क्योंकि हाँ, एक्चुअली सरप्राइज ये था कि करण पटेल, वो टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन करण पटेल जी जो डबल अमाउंट, एक्चुअली वो जो अमाउंट जीते थे उन्होंने उसकी आधी अमाउंट मुझे दी। क्या बात कर रहे हो? मुझे मतलब मैं जिस स्कूल को डोनेट कर रही हूँ, हाँ मैंने मजाक में बोल दिया ऊपर का थोड़ा बहुत दे दो। मेरे तो 2 लाख दिए नहीं, वो जो हम रोज शर्ट लगाते थे, आज ये जाएगा 2 लाख। आज 12 आ रहा है, 11 भूल जाओ। ओके, अब सभी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी शिल्पा शिंदे कहाँ पर हैं? ओ, स्क्रिप्ट सुन रही हूँ। नहीं कुछ नहीं है फिलहाल, है तो कोई काम दे दो। शिल्पा शिंदे दिखेंगे आपको, तो काम आता है। शिल्पा शिंदे आपको एक नई मूवी में दिखेंगे बहुत जल्दी, सिंगल एल्बम में भी। कुछ भी नहीं, मलर्रा गीत, कोई मराठी मूवी देखने वाले हैं जल्दी, मराठी फिल्म कर रही है। हाँ, कर रही हूँ ना, तो वो एकदम आएगा धमाका, आई होप। चलिए जी, थैंक यू सो मच। शिल्पा जी, कुछ एक क्या करें यार, चले गए, पार्टी बंद हो जाएगी, हम जाएं? चलो हाँ, हम हैं ये 4 में तो हम आने ब्रो। रुक जाओ, पहले मैं कर लूँ। पहले यार एक साथ ही करना पड़ेगा भाई, फिर सर यहाँ फिर सेंटर में आ जाइए, एक साथ ही सारे, अगर एक साथ सेंटर तो ये हो ना, अभी तक नहीं हुआ।
थैंक यू। अच्छा अभी एक साथ करना पड़ेगा और एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? रेडी, आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया अभी। हां भाई भाई, तो क्या विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में फटाफट? वेल, आज मैं पुनीश और बंदगी का नया गाना लॉन्च हुआ है लव मी, उसके लॉन्च पे हूँ। यस, तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज द कपल इज लुकिंग सिजलिंग एंड वेरी वेरी हॉट, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोनों। एंड ऑफकोर्स वी नो मीट ब्रदर्स ऑल्सो बहुत टाइम से एंड देयर म्यूजिक इज ऑलवेज वेरी गुड, सो ओवरऑल द सॉन्ग इज वेरी नाइस एंड इट्स अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ लॉन्च लाइक दिस। आई थिंक कुछ बसा नहीं भूलेंगे बट फिर भी, बट लाइक वंस अगेन बंदगी एंड पुनीश स्पेशली दे लुकिंग रियली रियली नाइस, बहुत ही हॉट गाना है एंड खुशबू ने गाया बहुत अच्छा है एंड म्यूजिक का जो एक ड्रॉप है मतलब टेक्निकली बात करो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे एंड आई एम ग्लैड फॉर पुनीश एंड बंदगी दैट डूइंग अ सॉन्ग लाइक दिस टुगेदर एंड फॉर देम ऑल्सो मी ब्रदर्स उनका चैनल का एक आई थिंक सेकेंड गाना है सो इट्स यू नो आई विश देम गुड लक एंड मे दिस यू नो सॉन्ग डू रियली वेल फॉर देम। ओके सुयश, आपका कब हम देख सकते हैं एल्बम? अरे अभी तो आया, 8 दिन पहले तो आएगा ना। इसका हमें बॉब मार ले, हम ना मारे, प्लीज वो गाना देख लो और आज ही जाके यूट्यूब करना। And we want hits. We'll see कि तुम लोगों ने सबने किया कि नहीं। गिनो बेबी कितने व्यूज बढ़ने चाहिए? 10 सोच ले वापस गिना रहा हूं। 10 10 का मतलब 100 व्यूज होने चाहिए आप लोगों से। आगे भी तो भेजेगा, नहीं मिलेगा। Is the name of the song, please go watch it. It's a मतलब ढिंचैक नंबर है, so just watch. कैसे नहीं देखा? I don't believe हम यहाँ ही गाना प्रमोट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, क्यों नहीं कर सकते? हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलो। कौन बोल रहा है? कहीं से आवाज आ रही है? Yeah, yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, जी. चाहिए ये अच्छा है यार, फोन के साथ क्लब का ओपनिंग भी है। हाँ हाँ क्लब। अच्छा क्या है क्लब के बारे में बता देना, कैसा लगा पूरा नाम के क्लब का? सुपर, आप तो देख के आए हो जो लगता है, प्लस अबाउट द सॉन्ग। ठीक है, दो सवाल है एंड देन यू कैन रोल ऑन। अनिरुद्ध दवे, गौरव शर्मा, स्टार्ट। ओके सर, लव मी सॉन्ग जो है उसका लॉन्च हुआ है जिसे मीट ब्रोस ने गाया है और पुनीत और बंदगी, पुनीश और बंदगी जो है उसमें फीचर कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू पुनीश एंड बंदगी एंड आई होप उनका जो वीडियो अभी आने वाला है उस पर मिलियन एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो और बहुत ही सक्सेसफुल रहे उनका म्यूजिक वीडियो। प्लस ये जो क्लब की ओपनिंग हम आए हैं, ये क्लब भी बहुत फेमस हो, बहुत पॉपुलर हो, हम लोगों ने देखा क्लब बहुत अच्छा है, बहुत रॉकिंग क्लब है। ओके, बात करें अगर एल्बम की तो काफ़ी ट्रेंड में अभी एल्बम सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कभी आप चाहेंगे कि आप एल्बम में काम कर सके आप दोनों? देखिए, हम दोनों कभी काम कर सके तो अपने आप में वन ऑफ इट्स ओन काइंड होगा, क्योंकि दोस्तों की जो एक बॉन्डिंग होती है, जैसे कल फ्रेंडशिप डे था तो उस पर भी बहुत सारे लोग आजकल एल्बम बना रहे हैं, तो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी, गौरव इज वर्किंग ऑन दैट, तो हम लोग डेफिनेटली अगर कुछ एल्बम नहीं होगा तो बहुत जल्दी एक सीरीज़ आएगी जिसमें आप हमारे इस जोड़ी को देखेंगे। हमने फुलवा के बाद टीवी पे काम नहीं किया बट स्टिल वी आर इन सो मच गुड बॉन्ड। यस, और मैं तो यही कहूँगा, यूट्यूब और जो ऑनलाइन मीडिया है अभी इतना ग्रो कर रहा है कि इसने टेलीविज़न को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है, तो आई होप पुनीश और बंदगी का ये जो सॉन्ग है ये भी सारे रिकॉर्ड्स पिछले तोड़ दे और बहुत अच्छा म्यूज़िक वीडियो साबित हो। आप दोनों अपना कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है वो शेयर करना चाहेंगे अगर हमारे साथ? तो फ्यूचर प्रोजेक्ट, हाँ फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी है नहीं लेकिन हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आएंगे आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।